क्या बोल रहा? वो हमको ये पूछ रहे हैं, वो हमारे ये बकरी है, कौन सी वाली? हमारे अरविंद भाई आए हुए हैं, वो ये पूछ रहे हैं ये बकरी पूरे दांत कर दी होगी। तो हमारा कहने का मतलब ये है, ये बकरी मेरी सबसे पुरानी बकरी है फार्म की। हाँ ठीक है, और इसी की पूरी मेरे पास ब्लड लाइन है, सॉलिड इसी की। अपने पास ये लगभग कितने साल से हो गई है? मेरे यहाँ लगभग ये 6 साल से बकरी है, मतलब एकदम पुरानी ब्लड लाइन। हाँ, पुरानी ब्लड लाइन। अभी भी ये ब्रीडिंग कर रही है? हाँ, अभी गाभन है। अभी भी गाभन? हाँ, अभी 2.5 महीने की गाभन हो गई है। और ज़्यादातर बहुत सुपर बच्चे देती है, देखो पंच वगैरह, बहुत ज़ोरदार बकरी थी ये, वहाँ हार्ट लेंथ की बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। इसको तो सेल नहीं करते हैं? नहीं, इसने बहुत कुछ दिया है मेरे को। फार्म में आकर सजाया है तो इसी ने सजाया है, मतलब फार्म की जान है ये। जान है ये। हाय, वेलकम टू द यूनिक एनिमल ब्रीड इन्फो। इस समय हम हैं चंबल, और चंबल में जमुनापारी की टॉप ब्लड लाइन की तलाश में हैं, और इसी तलाश के साथ पिंटू भाई को, जो आप तो जानते होंगे, पिछली वीडियो में भी देखा, काफ़ी खूबसूरत बकरियां रखते और काफ़ी नस्लदार बकरियां रखते हैं, मिलाते हैं पिंटू भाई से और जानते हैं उनकी बकरियों के बारे में, इस बार का क्या अपडेट है। लास्ट वीडियो में तो काफ़ी बकरियाँ थी और इस बार कुछ खाली लग रहा है। पिंटू भाई नमस्कार। भाई नमस्कार, क्या हालचाल है आपके? हालचाल बढ़िया है, बारिश भी हो रही है, अच्छा मौसम भी है। ये मौसम आज का काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ। आपके पास आने के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि हाँ। कल जैसी हालत हुई थी हमारी शूट में, हाँ। वैसा आज नहीं, अच्छा है मौसम। हाँ। से। पिंटू भाई आज ऐसा क्या है, मतलब आज ऐसा नहीं, सॉरी, मेरा मतलब ये था कि अभी ऐसा क्या हो गया जो भाड़ा इतना सूना सूना नज़र आ रहा है? उसमें एक्चुअली ऐसा है, बारिश की वजह से पत्ती भी नहीं आ पा रही है टाइम से, तो अभी बकरी बाकी की जो बची हैं जंगल चली गई है, तो आपको इसके लिए खाली दिखाई दे रहा है। अच्छा। पहला, और दूसरा बात ये है, हमारे फार्म पे बहुत ज़ोरदार बकरियां भी थी, वो बकरियां डिसमिस हो गई हैं। वो बकरियां हम शूट कर चुके हैं। जो आपने बकरियां शूट की थी ना जी, तो उसमें से 3 बकरी, एक हमारा ब्रीडर। अच्छा, क्या क्या नाम था उनका? जैसे मधुबाला एक मुझे याद है, मधुबाला तो सेल हो गई थी। हाँ, और परी अभी फार्म पे बची है। जो देखिए, सबसे पहले तो आपको दिखा रहे परी। हाँ। काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी नायाब बकरी, क्योंकि चंबल में बकरी देखो तो ऐसी बकरियां काफ़ी अब कम ही बची है। झालर देखिए इसके पीछे की, और बकरी की बॉडी स्ट्रक्चर देखिए कितनी प्यारी है। अच्छा, अपने पास डेट हुई जो बकरियां मरी है वो कौन कौन सी और क्या क्या नाम वाली थी? देखो, एक तो मधुबाला चली गई है, उसमें से मधुबाला बेच दिए हमने। ठीक है ठीक है। और जो मेरे पास एक काजल थी, काजल, हाँ, वो मर गई है। काजल मरी है? काजल मर गई है। और ये परी की माँ थी, अच्छा, वो चली गई है। और एक और रख थी, उसको तो महारानी बोलते थे हम, अच्छा, बहुत बड़ी चीज थी वो चली गई है। और हमारा बीडर था, उसको हम एक प्यारा सा नाम दिया था, चुलबुल बोलते थे उसको, चंबल का मास्टर। अच्छा, वो आपने वीडियो शूट नहीं किया था, तब आप आए थे, तब मैंने शूटिंग नहीं कराई थी उसकी। वो चंबल का मास्टर था। अच्छा, उसका नाम रखा था मैंने। तो पिंटू जी, काफ़ी सालों की मेहनत थी और उसमें अब ये कुछ ही बकरियां बची है। हाँ, मतलब कितने साल लगे थे जब एक एक चीज इतनी जमा करना? मेरे को कम से कम 5 साल लग गए थे। मतलब 5 साल की मेहनत बर्बाद हो गई? अच्छी तैयारी की थी तब 5 साल लगे थे मेरे को। 5 साल की मेहनत 4 दिन में बर्बाद हो गई? हाँ, 4 दिन में बर्बाद हो गई थी। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि बकरी पालन आसान चीज नहीं है। हाँ। बस लोगों को लगता है कि 2 लाख 4 लाख बोल रहा है तो मतलब करोड़पति हो जाएगा, बाकी ये उसके अपोजिट नुकसान वाली चीजें भी रहती है, कि काफी नुकसान भी होता है। बिल्कुल, कहीं फायदा तो कहीं नुकसान भी, दोनों चलता है, बिजनेस है ये तो, है ना। जैसे बकरियां, बच्चे वगैरह हैं अपने पास? क्योंकि अभी क्या है कि बच्चों की डिमांड है, ये टाइम तो बच्चों का ज्यादा चलता है। बच्चे हैं, बच्चे कुछ ही हैं, कुछ सेल हो गए हैं। अच्छा, जैसे एक ये दिख रहा है अभी मेरे पास, एक अभी प्रेजेंट में ये फीमेल है, ये भी ब्लड लाइन में है हमारी में से। अच्छा, आप ही के घर की है? हाँ, ये मेरे घर की है। ठीक है, अभी 6 महीने की है ये। 6 महीने की? और इसका कान का लेंथ बहुत जबरदस्त है, बिल्कुल तलवार लुक में है। इसके सिंग ब्लैक है, बाकी का पूरा गुलाबी है। माँ को मैंने सेल कर दिया है। माँ सेल हो चुकी? हाँ। और उसके 2 बच्चे हैं, माँ, उसके मेल और फीमेल्स।
पिंटू भाई जी, जैसे पूरे चंबल में घूमते अपन जी, कभी भी कोई भी व्यक्ति लगभग तो नाम नहीं रखता, आप ही के पास नाम रहता है, तो इसका कुछ नाम है? इसका नाम अभी दिया नहीं है, मगर जो हमारी बकरियां मर गई हैं, हो सकता है उनका ही रिटर्न में नाम रख सकता हूँ, क्योंकि वो नाम मेरे को बहुत ही प्यारे थे और वैसी सेम मेरी बकरी ये भी है, उनमें से उसी ब्लड लाइन में से, काफी अच्छी बकरी है, इसीलिए हम कोशिश यही करेंगे कि वही अपना नाम लेके फिर चले। जैसे अभी एक कॉल आया था बकरे के लिए, हाँ अभी आया, शूट करते करते, जैसे बकरे बताइए कि बकरे कौन कौन से अपने पास अवेलेबल है सेल के लिए? मेरे पास अभी 6 से 7 महीने के मेल अवेलेबल हैं, दो और बाकी के थे वो सेल हो गए हैं। ठीक है, अभी जो अवेलेबल है वो बताइए, जैसे एक तो ये अभी ये है, ये कितने महीने का है? ये अभी 6 महीने का, 6 महीने का पूरा स्पॉटलेस है, पूरा मार्बल है, मार्बल में जी। अभी बारिश के कारण थोड़ा सा गंदा हो गया, हाँ, बाकी बारिश की वजह से अभी इसको नहला नहीं सकते हम, क्योंकि बार बार बारिश। तो भाई का एक और मेल देखते हैं अपन अंदर के बारे में, बताइए रहने दो। अरे एक मिनट लगी उसका नहीं, अरे अच्छा लग रहा है क्या? यहाँ देखो अच्छा लग रहा है, ये देखो, हाँ ये 7 महीने का है, 7 महीने का, बिल्कुल 7 महीने का पिंटू भाई के पास एक एक और मेल। अच्छा ये जो फीमेल है ये भी सेल के लिए अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल है। क्या क्या कीमत है इनकी? इनकी कीमत है 30-35 हजार रुपए की, 30-35 हजार रुपए। कितने मंथ की है ये? एक 5 मंथ की है, 6 मंथ की है। कौन सी वाली 5 है और कौन सी वाली 6? ये जो खड़ी है, हाँ, ये 6 मंथ की है, हाँ, ये बैठी है ये 5 मंथ की है, 5 और 6। वैसे पिंटू भाई के पास हमेशा माल अवेलेबल रहता है और काफी माल इनके पास नहीं रहता तो अड़ोस पड़ोस कहीं से भी ढूंढ के आदमी को दिलवा देते हैं। हाँ, पिंटू भाई है। पिंटू भाई का नंबर आपको इस वीडियो में मिलेगा और आपको और भी दिखाते हैं इनके जैसे छोटे बच्चे जो आने वाले कुछ समय में सेल होंगे, अभी तो दूध पीते हैं, दिखाते हैं आपको। इसको क्या हुआ है चेहरे पे? ये कांटे वाली पत्ती खाते हैं बरसात में, हाँ, तो कांटे चुभने की वजह से ऐसा हो गया है, हमारे यहाँ कांटे की भी पत्ती आती है जंगल से। ठीक है, अब एक्सपर्ट से बात करते हैं, अरुण भाई क्या कहेंगे इसे? वही कांटा लगा हुआ, क्या कहेंगे, मतलब इलाज क्या है इसका? इलाज उसको लगा सकते हैं क्या? हाईटेक इंजेक्शन, हाईटेक इंजेक्शन, आधा एमएल साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। ठीक है, बस ये तुम्हें रखा ही इसलिए साथ में कि ताकि कोई तकलीफ आए तो डायरेक्ट बताते भी जाओ, इससे किसान का भी फायदा होगा और जो वीडियो देख रहा है उनका भी फायदा होगा कि हाँ ये अगर मेरे बकरों में कोई चीज़ आती है, जानवर में आती है, तो ये दवाई कर सकते हैं। तो ब्रांड नेम है लेकिन कंपोजिशन का नाम उसका आता है आइबरमेक्टिन, आइबरमेक्टिन इंजेक्शन। ठीक है, उसको लगा सकते हैं, उसको आधा एमएल। अच्छा देखिए काफ़ी बच्चे हैं छोटे और कुछ महीने के बाद ही सेल हो गई, ये नई खेती है इनकी अभी, क्या बोलते हैं? हाँ। पिंटू भाई अपना नंबर क्या होगा? मेरा नंबर है 8218186862353515। यहीं पे नंबर गलत मत दे देना, नहीं तो पता नहीं कहाँ चले जाएगा। दोबारा से आप नंबर देखो। हाँ बोलिए, 8218186232355515। एक और भी नंबर है बताओ, वो भी बोल सकते। हाँ बोल दो, 8 9 5 9 5 2 9 5 2 1 5 1 5 99 99। जिस किसी भाई को भी अगर इनमें से कोई भी जानवर पसंद आता है तो पिंटू भाई से जरूर संपर्क कीजिए, काफ़ी जेन्युइन और ईमानदार बंदे हैं, क्योंकि चंबल में ईमानदारी खोजना भी बहुत मुश्किल है जी। बराबर, आपको अगर कोई भी बकरी पसंद आती है तो पिंटू भाई से संपर्क कीजिए, बच्चे ब्रीडर हर चीज़ अवेलेबल है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया, धन्यवाद।